माफिया अतीक अहमद की 12.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के निर्देश पर अतीक अहमद की 12.82 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के गोसपुर कटहुला गांव में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। पुलिस ने मुनादी कराने के बाद संपत्ति को कुर्क कर दिया और वहां पर इससे संबंधित बोर्ड भी लगवा दिया। 12.5 करोड़ रुपए की 25 बीघे जमीन को अतीक ने राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर बनाई थी। डीसीपी दीपक भूक ने माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों में शामिल 12.82 करोड़ का भूखंड की जानकारी दी। करीब 20 बीघा की बेशकीमती जमीन एक गरीब राजमिस्त्री हुबलाल के नाम दर्ज कराई गई थी। इसमें कुल 16 किसानों की करीब 5.0510 हेक्टेयर भूमि शामिल है। ये भूखंड प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसपुर कटहुला में स्थित है। अतीक अहमद की इस बेनामी संपत्ति को अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। आज पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नर प्रयागराज के आदेश के क्रम में ये जब्तीकरण की कार्रवाई करी गई है। ये धारा 14(1) के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करी गई है। ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थी जो हुबलाल नाम के व्यक्ति के नाम थी। यह करीब 23,447 वर्ग गज जमीन है जो करीब 5.5 हेक्टेयर है और जिसकी अनुमानित कीमत 12.5 करोड़ रुपये है। ये 16 घाटों में बटी हुई और ये सबसे बड़ा घाटा है। आज यहाँ पे जब्तीकरण की इन सभी 16 घाटों में जब्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। अच्छा सर, आगे क्या कार्रवाई मुनादी भी कराई गई, इसका क्या मतलब होता है? इसमें मुनादी आसपास यहाँ सबको बता दिया गया है कि अब ये सरकार की तरफ से जब्त हो चुकी है। इसमें अब किसी तरह का कब्जा वगैरह कोई व्यक्ति नहीं करेगा, उसके खिलाफ अदरवाइज वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। क्या अतीक अहमद की और भी जमीनों का चिन्हीकरण किया जाए, अवैध और बेनामी है जी? उसमें पुलिस लगातार कार्य कर रही है और भी हमें संपत्तियों का पता चल रहा है। उसमें जैसे भी होगा हम आपको अवगत करा देंगे। मौजूदा मूल्य के हिसाब से संपत्ति की कुल कीमत 12,42,69,100 रुपए आंकी गई है। अतीक ने सकिल रेट से भी कम मूल्य पर जमीन का बैनामा कराया था। महज 2 करोड़ रुपए में 28,000 वर्ग गज जमीन राजमिस्त्री के नाम लिखवाई थी। जिस राजमिस्त्री के नाम पर यह जमीन लिखवाई, उसकी रोजाना की कमाई महज 400-500 रुपए ही है। यमुना पार का इस राजमिस्त्री से पुलिस ने पूछताछ की तो बताया कि माफिया भाइयों ने उसे डरा धमका कर बैनामा अपने नाम कराने को राजी किया था। ये भी कहा था कि जब वो कहें जमीन उनके नाम लिख देना। जान बचाने की खातिर उसने ऐसा ही किया। करवा देना।